శ్రీ జనార్దన్ ద్వివేదిజీ. ధన్యవాద్ సభాపతి జీ, ఆప్నే అంతిమ వాక్ జో కహా వో బహుత్ సార్థక్ హై. ఆమ్తౌర్ సే యే విదాయీ కా దిన్ ఇత్నే వర్షో సే దేఖ్ రహే హై, కుచ్ ఆబిచ్యూరీ రెఫరెన్స్ జైసా హో జాతా హై. తో అచ్చా హువా కి ఆప్నే ఉస్సే బాహర్ ఇస్కో నికాల్ దియా హై. సబ్సే పహలే मैं सदन के सभी पक्षों से को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई ऐसा हो जिससे मुझे स्नेह सद्भावना न मिली हो, और इसके लिए मैं बहुत संतुष्ट हूं. दूसरी बात ये, डॉक्टर साहब का एक पृष्ठभूमि है. गुलाम नबी जी ने कहा, आपने कहा, उन्होंने जो बातें कहीं, मेरी पृष्ठभूमि थोड़ी दूसरी है, इसलिए मेरा दृष्टिकोण भी थोड़ा सा अलग है. बात वही है, रास्ता अलग अलग है. 1960 में इंटरमीडिएट करने के बाद 60-61 सत्र में जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, तब से राजनीति में हूं, यानी 57 साल हो गए. उसमें मैंने विचारों में समझौता नहीं किया, और एक अंतर विरोध जीवन में रहा. जब आप संगठन में होते हैं तो संगठन की मर्यादा का पालन करना होता है, लेकिन मन कुछ उससे बड़ी चीज है. और आज की समस्या शायद यही है, मनुष्य का बाह्य विकास बहुत हो जाता है, जरा आंतरिक विकास कम होता है, और इसलिए बहुत सारी कठिनाइयां पैदा होती हैं. उसमें मैं थोड़ा एक पक्षपातपूर्ण हो गया हूं, क्योंकि मैं जिस घर में पैदा हुआ वो मिट्टी का बना हुआ था, ईंट और पत्थर का नहीं. गोबर और मिट्टी से लीपा पोता जाता था. स्कूल नहीं था. आज किसी की चौपाल में स्कूल है, वो नाराज हो गया मास्टर जी से, तो स्कूल वहां से अलग हट गया. पांचवीं पास करने के बाद 8 किलोमीटर कीचड़ और धूल के रास्ते से पढ़ने जाते थे, बस्ता टांग करके 8.5 साल की उम्र में. मुझे लगा ये बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, कैसे होगा, क्या होगा. बीच का छोड़ दूं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय गया, वहां लगा कुछ करना चाहिए. पहली बार प्राइमरी स्कूल में विनोबा जी हमारे गांव आए थे, उनका सुना तो लगा विनोबा जी से बड़ा होता है मनी उस तरह का. 6 महीने उनके साथ हरा कपड़ा बांध करके घूमा, उनके अनुयायियों के साथ, उनके साथ नहीं एग्जैक्टली. 6 महीने बाद महसूस हुआ ये रास्ता तो बड़ा लंबा है, इससे समाज और दुनिया नहीं बदलेगी. और ये बात आगे जाकर के पुष्ट हुई. फिर ढूंढा तो देखा, उस समय डॉक्टर लोहिया बड़े चर्चित होते थे, तो ढूंढा इनके चेले चपाटे कहाँ हैं. गया तो बड़ी उन्होंने बड़ा स्वागत सत्कार किया, और उसके बाद में बहुत साल तक आंदोलनों में रहा, उनके संपर्क में रहा, उनके साथ भी जेल में रहा, बाहर भी रहा, वगैरह वगैरह वगैरह. उस दौरान मेरे मन में 2-3 चीज़ें बस गईं, और मैं अपने मन की बात कह रहा हूं, जो लोग संगठन में काम करते हैं वो जानते हैं. मेरे लिए उनके मन में बहुत आदर है जो साधारण घरों से पैदा होकर ऊपर उठे. मेरे लिए उनके मन में बहुत आदर है जो साधारण कार्यकर्ता रहकर नेता बने हैं. बौद्धिक दृष्टि से हमारी सद्भावना गरीब के दुख दर्द से हो सकती है, लेकिन अगर उस दर्द को आपने जिया नहीं है, भोगा नहीं है, तो ना आप सही संपूर्ण नेता बन सकते हैं, और ना संपूर्ण रूप से बौद्धिक बन सकते हैं. ऐसा एक मन में विश्वास शुरू से रहा. जहां तक संसद की सदस्यता का प्रश्न है, या ऐसे किसी प्रश्न है, यहां हम जो बैठे हैं असल में जिनकी वजह से बैठे हैं वो बाहर है. इसलिए मैं नहीं मानता कि यहां से जाने के बाद क्षेत्र कम होता है. मुझे लगता है क्षेत्र बहुत बड़ा होता है. मेरे सभी साथी जानते हैं कि कम से कम इन 57 वर्षों में मुझे समय की कमी महसूस हुई है. कभी यह महसूस नहीं हुआ कि मैं क्या करूं, यहां से जाता हूं तो अपने काम में डूब जाता हूं. तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, और मैं तो ये भी चाहता हूं जब लोगों को लगे कि हमें रिटायर होना चाहिए, तो दलों की सीमा छोड़कर अगर कुछ लोग आए और समाज और देश की बातें ईमानदारी से कहें, तो भी देश का बड़ा भला हो जाएगा.
एक बात और भी मैं कहना चाहता हूं, आपकी शैली में कहूं, संसद वालों में थोड़ा मुझे भी कष्ट होता है, और आपकी शैली में कह रहा हूं, जब विवेक तंत्र की जगह स्वर यंत्र अधिक प्रबल हो जाता है तो कोई मर्यादा मंत्र काम नहीं आता। इसको आगे और विस्तार से मैं नहीं कहना चाहता हूं। कभी कभी इस तरह की बात जब मैं कहता रहा हूं, कहता हूं साथियों से, तो बहुत बार मुझे बहुत सारे मेरे हितैषी बरसों से सलाह देते हैं कि आप क्यों बोला करते हैं, यहां भी बैठे हैं सलाह देने वाले, आप क्यों कहते हैं, लेकिन अब वो अपनी आदत है कि वो रहा नहीं जाता है, जो भीतर का सत्य है वो सामने आ जाता है। कभी एक बार 1900 आज की बात नहीं है, 8 फरवरी 1996 को, क्योंकि आज मैं अगर इसको कहूँगा कुछ पंक्तियाँ तो ये लगेगा पता नहीं किसकी तरफ लक्ष्य है, तो 8 फरवरी 1996 का जिनको याद हो क्या परिस्थितियाँ थी और किस रूप में लिखा गया था। एक छोटी सी कविता लिखी थी, उसको सुनाकर मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। वो मित्रों को संबोधित, मित्र मेरे बड़ी बेढब बात मेरी, मित्र मेरे बड़ी बेढब बात मेरी, भला क्या औकात मेरी, उपवनों के पारखी तुम जंगलों की जात मेरी, उपवनों के पारखी तुम जंगलों की जात मेरी, बन न पाएंगे तुम्हारी कल्पनाओं के मुताबिक चित्र मेरे मित्र, बन न पाएंगे तुम्हारी कल्पनाओं के मुताबिक चित्र मेरे मित्र मेरे। धैर्य धरती मन पवन है, धैर्य धरती मन पवन है, अग्निशा अंतर दहन है, सिंधु जैसा है हृदय तल, दृष्टि अपना गगन है। क्या करूं मैं यदि हमेशा ही रहे हैं स्वप्न बहुत विचित्र मेरे मित्र मेरे, क्या करूं मैं यदि हमेशा ही रहे हैं स्वप्न बहुत विचित्र मेरे मित्र मेरे। कुछ लुटेरे कुछ भिखारी, कुछ लुटेरे कुछ भिखारी, मिट रही है ऊर्ध्वगामी वृत्ति की पहचान न्यारी, मिट रही है ऊर्ध्वगामी वृत्ति की पहचान न्यारी, प्रश्न उठता हर दिशा से किस लिए संकल्प ढोए सब विकल्पों के पुजारी, प्रश्न उठता हर दिशा से किस लिए संकल्प ढोए सब विकल्पों के पुजारी, इसलिए यह जानने से अब न कोई फर्क पड़ता कौन मित्र अमित्र मेरे मित्र मेरे। धन्यवाद सर।